मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। अग्निपथ पर सरकार का नया फैसला, केंद्रीय सशस्त्र बल और असम राइफल में अग्निवीरों को 10% आरक्षण, कांग्रेस का प्रदर्शन का ऐलान। अग्निपथ का बिहार में विरोध, चौथे दिन भी उग्र प्रदर्शन, जहानाबाद में ट्रक फूका, राज्य बंद, 15 जिलों में इंटरनेट बंद। अग्निपथ पर 13 राज्यों में बवाल, 2 दिन में 12 ट्रेनें जलाई, 300 से ज्यादा ट्रेनों पर असर, 2 की मौत, हरियाणा में इंटरनेट बंद। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान, योग दिवस पर बेंगलुरु में रहेंगे पीएम मोदी, 10 महीने पहले ही कैंपेन की तैयारी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस के वकील का आरोप, मेरे क्लाइंट को 3rd degree टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी जान खतरे में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द, राजनाथ सिंह बोले परिसीमन पूरा, अब साल के आखिरी तक शुरू हो सकता है चुनाव का प्रोसेस। जोधपुर में सीएम के भाई के घर सीबीआई का विरोध, सुबह मारा था छापा, घर से निकलते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोका। ऐसे विरोध की उम्मीद नहीं थी, अग्निपथ योजना पर हिंसक प्रदर्शन को लेकर बोले नौसेना प्रमुख। जम्मू कश्मीर के पामपोर में मिला पुलिस अफसर का शव, संदिग्ध आतंकवादियों ने की हत्या। हरियाणा में बने किसान आंदोलन, जैसे हालात, ट्रैक्टरों से पहुंचे भाजपा दफ्तर घेरने, खापों का भी समर्थन। कर्नाटक में सीबी की 80 जगहों पर छापेमारी, की सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कसा शिकंजा। राष्ट्रपति चुनाव की रेस में नहीं होंगे देवगौड़ा, कुमार स्वामी ने अटकलों को लगाया विराम। असम में बाढ़ से हालात बिगड़े, बीते 9 की मौत, इनमें 2 बच्चे भी शामिल। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,216 नए मामले, एक्टिव केस 68,108। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब तक 15 उम्मीदवारों के ने नामांकन किया दाखिल, 3 का पर्चा खारिज। यूपी में अग्निपथ का 3रा दिन, जौनपुर में पदरियों ने बस और बाइक फूंकी, पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़। झांसी में महिला ने युवती को बंधक बना, युवक से कराया रेप, शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो कमरे में बंद थी पीड़िता। अग्निपथ योजना के खिलाफ धरने पर बैठे जयंत, आरएलडी मुखिया ने कहा कि सरकार युवा और जनता की भावनाओं का सम्मान करे। गोंडा में महिला के साथ 3 ने किया गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया रिपोर्ट, 8 साल पहले पति को हो गया था लापता। सुल्तानपुर में निमंत्रण से लौट रहे युवकों से हुई लूट, एक युवक के हाथ में लगी गोली।
बलिया में ट्रेन और टप्पल में पुलिस चौकी फूकी, पुलिस को करना पड़ा लाठी चार्ज और फायरिंग। लखनऊ में तेज रफ्तार पिकअप और टैंकर की भीषण टक्कर, 6 लोग की मौत। बरेली में बाजार बंद के ऐलान पर आईएमसी मीडिया प्रभारी बोले, तौकीर रजा ने नहीं दिया कोई बयान, उपद्रवी व बदनाम कर रहे हैं। आजमगढ़ सपा को अपने गढ़ में लगा झटका, पूर्व विधायक राम दर्शन यादव थामेंगे भाजपा का दामन। धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांगेंगे आजम खां, मुबारकपुर और बिलरियागंज में करेंगे जनसभा। उन्नाव रेल स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा, अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी। रायबरेली में 76 में 69 गांवों में लगी थी सोलर लाइट, आरोप मनमाने तरीके से किया गया था। बोले 3 साल एनसीसी सर्टिफिकेट लेने और 4 साल तो तैयारी करने में निकल जाते हैं। अमेठी में अग्निपथ का विरोध कर रहे युवाओं को यूं समझाया, जमीन पर बैठे एसपी लगाया भारत माता का जयकारा। आगरा में अग्निपथ बवाल के बाद पुलिस अलर्ट, सुबह से गांवों के बाहर पुलिस तैनात। सुल्तानपुर में भाजपा के मंडल महामंत्री को दिया जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शुरू किया जांच। हाईकोर्ट से पूर्व विधायक रूबी प्रसाद को मिला स्टे, कोर्ट ने नोटिस जारी कर संबंधितों से मांगा जवाब। झांसी में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, नकाबपोश बाइक सवार ने दिया वारदात को अंजाम, हालत बेहद नाजुक। अयोध्या में तेज रफ्तार कार और जाइलों की आपस में भिड़ंत, एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत। जौनपुर में अग्निपथ योजना का विरोध, युवकों ने 2 रोडवेज बस में लगाई आग, पुलिस की गाड़ी पर भी किया पथराव। कानपुर ने सरकार को दिया दंगे का दाग, कानपुर से भड़की हिंसा की आग कई जिलों तक फैली। अग्निपथ योजना का विरोध, जालौन के रेलवे स्टेशनों के साथ निकलने वाली ट्रेनों की बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस फोर्स। बिजनौर एक सप्ताह से गायब युवक की हत्या, दोस्त के साथ पहले गला घोटा फिर गंगा में बहाया शव। हिंसा के बीच वरुण गांधी की अपील, बोले हम युवाओं के साथ हिंसा का रास्ता न अपनाएं। खेल मैदान से रेलवे स्टेशनों तक पुलिस का पहरा, अग्निपथ विरोध के बीच गाजियाबाद में टाइट सिक्योरिटी। अंबेडकर नगर में 50 स्कूलों तक नहीं पहुंची बिजली, खंबे से दूरी ज्यादा होने से नहीं हो सका कनेक्शन, भीषण गर्मी में पढ़ने को मजबूर है छात्र।
बदायूं में फर्जी मुकदमेबाज पूर्व प्रधान पर चार्जशीट, पूर्व प्रधान ने अधिकार को हथियार बनाकर दर्ज कराए थे 9 मुकदमे। अलीगढ़ में उपद्रवियों की तलाश में रात भर चली छापेमारी, 16 टीमें कर रही हैं मामले की जांच। अलीगढ़ में हिंसा के आरोपियों का पहला पोस्टर जारी, मुंह बांधकर आए और सीसीटीवी तोड़े, पुलिस चौकी फूकी, हथियार लूटने का था इरादा। बिजनौर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, बस ने बाइक को मारी टक्कर, काम कर वापस जा रहा था घर। अग्निपथ को लेकर उबाल, हरिद्वार में जुटे देश भर के किसान, राकेश टिकैत के नेतृत्व में निकाला पैदल मार्च। ऋतु का कड़क अंदाज, सदन में बोली, प्रोफेसर रही हूं, अनुशासन प्राथमिकता, सुर्खियों में प्रदेश की पहली महिला स्पीकर। देहरादून में 5 सितारा होटल में महिला कर्मचारी से बाथरूम में दुष्कर्म, नाबालिग पर आरोप। उत्तराखंड सदन में अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष का हंगामा, अग्निवीरों को वापस लेने के नारे के साथ किया वॉकआउट। देश भर से सामने आ रही घटनाओं को लेकर हरिद्वार में राकेश टिकैत का बयान, कहा हिंसक नहीं होना चाहिए विरोध। उत्तराखंड में अग्निपथ के विरोध में युवाओं का आक्रोश, पथ लाठी चार्ज के दौरान मची भगदड़, नहर में कूदे कई युवा। हल्द्वानी में अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध करना युवाओं को पड़ा भारी, 400 प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज। उत्तराखंड में 17% आबादी है गरीब, अल्मोड़ा सहित कई जिलों में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे लोग। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने निकाला जुलूस, प्रदर्शन कर की नारेबाजी। उत्तराखंड के बाजपुर में 5 झोपड़ियों में लगी आग, 2 बच्चों समेत 3 झुलसे। उत्तराखंड में काशीपुर में प्लॉट का सौदा कर एसएसबी के दरोगा से ठगे, 13,90,000 रुपए। उधम सिंह नगर शादी का झांसा देकर 6 साल तक करता रहा शारीरिक शोषण, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विवादित भूमि को लेकर आपस में भिड़े चचेरे भाई, भतीजे और पोते ने कर दी वृद्ध की हत्या। उत्तरकाशी में भी सुलगने लगे अग्निपथ के विरोध की चिंगारी, युवकों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। चिन्याली सौड़ महाविद्यालय में 3 नए विषयों को मिली मंजूरी, 3 विषयों में छात्र छात्राएं ले सकेंगे प्रवेश। अफगानिस्तान में गुरुद्वारों पर हमला, धमाके में मुस्लिम गार्ड समेत 2 की मौत, सिख संगत अदर फंसी। अमेरिका की नाक के नीचे से रूस तक उड़ा रहा रहस्यमयी विमान, ईरानी कनेक्शन से मचा बवाल।
नेपाल के भैरहवा में पीएम शेर बहादुर देउबा ने हेलीकॉप्टर में पहुंचा ईंधन खत्म, करानी पड़ी आपात लैंडिंग। पाकिस्तान का बुरा हाल, रात के बाद सिंध के बाजार से गुल होगी बिजली। अलविदा इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट की 27 साल पुरानी विरासत को याद करेगा जमाना। पैगंबर विवाद को लेकर कुवैत के सांसदों के जहरीले बोल, भारत के खिलाफ एक्शन की मांग। ब्रिटेन सरकार ने असांजे के अमेरिका प्रत्यर्पण को दी मंजूरी, अपील की संभावना। ब्रिटेन के अगले पीएम बन सकते हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन की बड़ी मुश्किलें। नेटो ना सही, अब ईयू का सदस्य बनने जा रहा यूक्रेन, यूरोपीय आयोग ने भी कर दी सिफारिश। चीन के तीसरे विमानवाहक पोल फुजियान का किया जल वातावरण, 50 मानव रहित नौकाएं ड्रोन ले जाने में सक्षम। आरबीआई गवर्नर ने कहा, गूगल अमेज़न जैसी टेक कंपनियों के वित्तीय कारोबार में आने से बढ़ेगा कर्ज पर जोखिम। सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री की बैठक, 20 जून को एनपीए और कर्ज वृद्धि पर होगी बात। फ्यूल शॉर्टेज से निपटने का यूएसओ प्लान, प्राइवेट पेट्रोल पंप को भी स्टॉक मेंटेन करना होगा, नियम नहीं मानने पर सरकार करेगी लाइसेंस कैंसिल। स्विस बैंक में 47.3% तक बढ़ा भारतीयों का पैसा, 2021 के अंत तक भारतीयों के 30,500 करोड़ रुपए जमा। बढ़ती महंगाई के पीछे आरबीआई की नीतियां जिम्मेदार नहीं, कोरोना के दौरान इसे सहन करना था जरूरी। एलआईसी शेयर में पैसा लगा, ठगा महसूस कर रहे निवेशक, 32% टूट चुका स्टॉक, कंपनी ने कहा निवेश का मौका। आयकर विभाग ने 2022-23 के मध्य जून तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 45% बढ़ा, सरकार के खजाने में 3.39 लाख करोड़ जमा। जीएसटी दर को तर्क संगत बनाने पर आम सहमति नहीं बना सका मंत्रा समूह, फॉरेक्स रिजर्व 4.599 अरब डॉलर घटा। एलन मस्क की ट्विटर कर्मचारी से पहली मुलाकात, बोले ट्विटर के खर्च को कम करने के लिए छटनी जरूरी। तीस फीसदी अनाज हर साल हो रहा बर्बाद, 100 से ज्यादा देशों के पास खाने को नहीं, जानिए क्या है यूएन की रिपोर्ट। वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ 498 का स्कोर बनाया, बटलर ने 47 गेंद पर जमाया शतक। बॉक्सर ने रिंग में की शर्मनाक हरकत, फाइट के दौरान विपक्षी को दांत से काटने लगा। भारतीय शटलर एचएस प्रणय उलट फेर के साथ इंडोनेशिया ओपन के टॉप फोर में 13वीं रैंकिंग वाले केमके को सीधे सेटों से हराया।
यशस्वी जायसवाल और अरमान जाफर के शतक से बैकफुट पर यूपी मुंबई फाइनल में जगह बनाने के करीब। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 87 रन से हराया, सीरीज 2-2 के बराबर, कार्तिक और आवेश चमके। किंग ऑफ क्ले राफेल नडाल 14वीं बार बने फ्रेंच ओपन चैंपियन, 36 की उम्र में खिताब जीत कर रचा इतिहास। वेस्टइंडीज की पहली पारी में 162 रन की बढ़त, ब्रैथवेट नर्वस 9 का शिकार, बांग्लादेश दूसरी पारी में 5.2 रन। आवेश खान की ओवर हैट्रिक, 5 गेंद में 3 विकेट लिए, 1 बाउंसर से 10 मिनट तक रुका मैच, पापा का डेडिकेटेड की कामयाबी। फिर उठा बबल ब्रीच विवाद, टिम पेन ने भारतीय क्रिकेटर को स्वार्थी कहा, बोला उन 4-5 लोगों ने सीरीज को खतरे में डाल दिया था। पहली बार बदला फीफा का इतिहास, अमेरिका मैक्सिको कनाडा करेंगे 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी, 16 शहरों के नाम जारी। अवार्ड शो के दौरान सिद्धार्थ कियारा खोए रहे एक दूसरे में, फैंस बोले ये अपनी ही दुनिया में बिजी है। बोल्ड ड्रेस पहनने पर ट्रोल हुई जानवी कपूर, नेटिजंस बोले पूनम पांडे का हाई क्लास वर्जन। शमशेरा से लीक हुआ रणवीर कपूर का लुक, लोगों ने इस बॉलीवुड फिल्म का बताया कॉपी। बेटे यश ने उड़ाया करण जौहर के पाउट पोज का मजाक, कहा बिल्कुल नहीं पसंद ये चीज। वरुण धवन के पिता डेविड धवन की सेहत में सुधार, अस्पताल से डिस्चार्ज होकर लौटे घर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बेन की वापसी पर खुलकर बोले जेठालाल, कहा उनमें हमें उल्लू बना दिया। अदिति राव हैदरी ने नॉर्थ और साउथ सिनेमा की डिबेट पर किया रिएक्ट, बोली हम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री हैं। अजय देवगन की थैंक गॉड होगी रिलीज, बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की मूवी को देगी टक्कर। तारक मेहता के दिलीप जोशी को आई नट्टू काका की याद, बोले उसको बहुत मिस कर रहे हैं। बिलबोर्ड 200 की सूची में सिद्धू मूसेवाला के गाने 295 ने बनाई अपनी जगह, फैंस हुए भावुक। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।